हुई हिंसा के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जो भी बिहार के छात्र वहां पर पढ़ रहे थे, जो भी स्टूडेंट बिहार के थे, उनको बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर बिहार बुलाया है। पटना एयरपोर्ट पे तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, यहां पर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि तमाम छात्र देखिए एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फंसे हुए थे वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगा, जब मुझे यहाँ हेल्प मिला तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो रहा दिख रहा है? वहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत ही था। एक मिनट, क्या सिचुएशन था? आप वहाँ पे पढ़ाई कहाँ पे कर रहे थे? वहाँ पे JNS जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। तो वहाँ पे आप बिहार से गए थे, बिहार में एजुकेशन ठीक ढंग से नहीं मिल पाया आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, अब जहाँ सिलेक्शन हो जाए वहीं जाना है ना। अच्छा, अपने मार्क्स के अनुसार होता है ना। अच्छा, अब जैसे नीट में जो मार्क्स लाएंगे उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और भी आपके साथ आपके दोस्त? हाँ, सारे तो बहुत सारे दोस्त। वहाँ की गवर्नमेंट ने मदद किया? कहाँ का, वहाँ का नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अब बिहार सरकार ने जो अपने खर्च पे बुलाया है, तो बिहार सरकार को क्या कहिए? थैंक्स कहेंगे, बहुत अच्छे। चलिए, तो देखिए लगातार तमाम जो छात्र हैं वो पहुँच रहे हैं, और भी कुछ छात्रों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चूँकि संख्या इनकी लगभग 142 के आसपास में है जो कि बिहार के हैं, और साथ ही साथ इसमें 22 जो छात्र छात्राएं हैं वो झारखंड के भी हैं, और झारखंड के भी बच्चे यहां से पहुंचे हैं यहां पे। और देखिए एक एक करके सब लोग पहुंच रहे हैं। कहां से आए हैं जी? हम अभी इम्फाल से आए हैं। वहां पे कैसा सिचुएशन? वहां पे बरस है अभी थोड़ा, ये साइड में आगजनी ज़्यादा हो रहा है, लोग थोड़ा बम गोला बारूद मिलिटेंट थोड़ा ज़्यादा मतलब वहां पे एक्टिव है। राइट नाउ सिचुएशन अभी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे CRPF असम राइफल्स ये सब डिप्लॉयड हैं। परेशानी हो रहा था वहाँ पे? जी हाँ, परेशानी बेसिकली हम लोग को पानी का हो रहा था, क्योंकि पानी का शॉर्टेज है, अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे थोड़ा कम है, इस कारण से पानी पीने का बिहार सरकार अपने खर्चे पे बुलाई है, क्या कहिएगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार सरकार हमको अपने खर्चे पे बुलाई है, और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अपने खर्चे पे बुलाई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट के पास ऐसा था कि वो अपने टिकट करके आ सकते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो वहाँ पे फंसे हुए थे वो टिकट भी नहीं मिल रहा था। अभी फिलहाल वहाँ पे सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल राइट नाउ। आई डोंट से दैट इट्स वेरी वर्स्ट सिचुएशन राइट नाउ, बट इट्स अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज सेंडिंग अ लॉट ऑफ द फोर्सेस लाइक असम राइफल्स, CRPF एंड BSF, दैट्स व्हाई सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। नाम क्या? माय नेम इज धनराज, आई एम ओके। तो देखिए लगातार छात्र पहुँच रहे हैं, और पटना एयरपोर्ट पे करीब 142 के आसपास जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो बिहार के पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो 22 स्टूडेंट हैं वो करीब झारखंड के हैं, जो फिलहाल बिहार पहुंच गए हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला ये लिया गया है, तमाम स्टूडेंट का पटना एयरपोर्ट पे गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया है। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। थोड़ा खराब था, बट देन और बाकी सारे स्टेट चले गए थे ना, तो हम अकेले थे इसलिए। बिहार सरकार यहाँ पर लाया है आपको? जी जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके लिए, बिहार सरकार के लिए। आप लोग झारखंड जा रही हैं? जी जी, झारखंड की राजधानी बोकारो। ठीक था, थोड़ा डरावना था। डर लग रहा था वहाँ पे? हाँ। अब बिहार आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पानी की क्या स्थिति थी वहाँ पे? सही था खाने की स्थिति। बिहार सरकार ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे उनको। अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ। नाम क्या आपका? सोनम। मैंने इम्फाल बेस्ट। क्या हुआ था वहाँ? तो थोड़ा राइट हुआ था बाहर, तो हम लोग को पता नहीं क्या हुआ था, इंटरनेट का सुविधा था नहीं, तो बाहर पता नहीं चला क्या हुआ था। के रहने वाले? रांची। जी जी। बिहार सरकार यहाँ लाया है, किस तरह देखते हैं? क्यों, क्या कहिएगा बिहार सरकार आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मदद की हमारी। हमारे हॉस्टल के आसपास मतलब आसपास तो राइट चल रहा था, बाहर क्या सिचुएशन था तो हमें पता नहीं है। क्यों? इंजीनियरिंग BTech। कहाँ? चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? कल्याण विनायक। चलिए कल्याण विनायक, क्या करते थे मणिपुर में? पढ़ता था IIIT में। किसमें? IIIT में। अच्छा, क्या आप लोगों को कैसे पता चला कि आ रहे हैं? हम लोग के न्यूज मिला। अच्छा, बच्चे लोग से मैं नीतीश सरकार कल के फ्लाइट से हमको पटना पहुंचाया जाएगा। बातचीत हो रहा है। आप कहाँ पे रहती है? बैरिया। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। पिंकी देवी, आप एक बताइए कि कुछ हालात के बारे में भी बातचीत थी बीच में? हाँ जी, बच्चा लोग बहुत डरा हुआ था। अच्छा, यही बोलता था मम्मी बहुत डरे हुए हैं, वहाँ के सिचुएशन अच्छा नहीं था। हाँ, नीतीश सरकार के हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं जो हमको लोग के बच्चा के अच्छा से सुरक्षित
पटना पहुंचा दिए हैं बस। मेरी बहन है। हाँ। क्या जानकारी? जानकारी मिली कि वहाँ दो गुटों के बीच में वो झगड़ा हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद बढ़ गया, वहाँ गोलीबारी बमबारी सारे कुछ हो रहे हैं, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है बच्चों के लिए। जिस कॉलेज में मेरी बहन पढ़ती है, जिस यूनिवर्सिटी में, उसी के पीछे ये सारे दंगे फसाद हो रहे थे। मणिपुर इम्फाल एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर कर रही है फर्स्ट ईयर। बातचीत हुई है जी? वो यहाँ 6 मंथ से है। सरकार अपने खर्चे पे बुला रही है, क्या कहेंगी गवर्नमेंट? बहुत यही कहना चाहूँगी कि सरकार का धन्यवाद कि मेरे बच्चे को वहाँ से सही सलामत वापस ले आए। मेरा शलोनी कुमारी। ये 21 बच्चे हैं? ये 21 बच्चे हैं। क्या जानकारी मिली थी कि बिहार सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है क्या? नहीं, बिहार सरकार यहाँ तक ले आई, उसके बाद हम लोग बिहार सरकार से बात हो गई थी, उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने बस से ले गए जी। कौन हुए आप? हम DPRO रांची हुए। क्या बच्चे हैं? 21। क्या नाम है? वीरेंद्र चौबे।